नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्रू फैक्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन बैसिलिनम के सिम्टम्स। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन बैसिलिनम के सिम्टम्स। बैसिलिनम औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने में किया जाता है, परंतु इस औषधि का प्रयोग विशेष रूप से यक्ष्मा यानी टीबी रोग से संबंधित लक्षणों को दूर करने में अधिक लाभकारी माना गया है। बैसिलिनम औषधि यक्ष्मा टीबी रोग को ठीक करने में अत्यधिक लाभकारी है। इसके प्रभाव से शरीर में बनने वाली अधिक बलगम की मात्रा कम होती है। इस औषधि के प्रयोग से फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में पहुँचने लगती है, जिससे खून में बनने वाली दूषित द्रव्य बाहर निकल जाती है और फेफड़ों की वायु कोष्ठ खुल जाते हैं, जिसके कारण फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में जाने लगती है और धीरे धीरे यक्ष्मा यानी टीबी से संबंधित लक्षण समाप्त होकर रोग ठीक हो जाता है। बैसिलिनम औषधि का विशेष प्रभाव रोगों को तब पड़ता है जब रोगी के शरीर में टीबी जैसा पतला कफ अधिक मात्रा में बनने लगता है और रोगी व्यक्ति के शरीर में टीबी अधिक मात्रा बनने से रोगी को सांस लेने में भी कठिनाई होती है और पीव सांस नली में भर जाती है जो बलगम के रूप में निकलती रहती है। ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बैसिलिनम औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में पीव का बनना बंद होकर शरीर में पीव बाहर निकलता है। पीव का बनना बंद होकर शरीर से पीव बाहर निकल जाता है, रोगी को सांस लेने में उत्पन्न परेशानी को दूर करता है, साथ ही यक्ष्मा यानी टीबी रोग को समाप्त करता है। बैसिलिनम का प्रयोग यक्ष्मा टीबी के अतिरिक्त अन्य पुराने रोगों में भी लाभकारी माना गया है। बैसिलिनम औषधि का प्रयोग उन वृद्ध व्यक्तियों के फेफड़ों की बीमारियों में लाभकारी है जिन व्यक्तियों को पुराने नजला जुकाम की शिकायत बराबर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के फेफड़ों में खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, रात को अचानक घुटने के दौरे पड़ते हैं और खांसते समय परेशानी होती है, ऐसे में बैसिलिनम औषधि के प्रयोग से रोग जल्दी दूर होता है। दांतों तथा दांतों पर मैल जम जाने पर बैसिलिनम औषधि के प्रयोग से दांतों पर जमी मैल साफ होती है। जिस व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होती रहती है, उसके लिए भी यह औषधि काफ़ी गुणकारी होती है। अगर बार बार सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए औषधि काफ़ी गुणकारी है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षण के आधार पर बैसिलिनम औषधि का उपयोग। सिर से संबंधित लक्षण। बैसिलिनम औषधि का प्रयोग सिरदर्द के विभिन्न लक्षणों में किया जाता है, जैसे रोगी व्यक्ति में अधिक चिड़चिड़ापन तथा उत्साहहीनता आ जाना, तेज सिरदर्द जो सिर की गहराई से उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है और रोगी को अपने सिर पर रस्सी बांधने जैसा अनुभव होता रहता है, रोगी की त्वचा पर दाद और पलकों का छाजन अर्थात खुजली होना आदि सिर से संबंधित लक्षणों में बैसिलिनम औषधि का प्रयोग किया जाता है। पेट से संबंधित लक्षण। पेट रोगग्रस्त होने पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न लक्षण, जैसे पेट में दर्द रहना, उरुग्रंथियाँ फूली हुई, आंतों की टीबी होना, भोजन करने से पहले पतला दस्त आना, पेट में अधिक कब्ज बनना और कब्ज के कारण दुर्गंधित हवा निकलना आदि पेट से संबंधित लक्षण रोगी को उत्पन्न होने पर रोगी को ठीक करने के लिए बैसिलिनम औषधि का उपयोग किया जाता है। सांस संस्थान संबंधी लक्षण। सांस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को घुटन होना तथा नजले के कारण सांस लेने में परेशानी होना, तर दम्मा रोग तथा सांस नली में बुलबुले उठने जैसी आवाज निकलने के साथ श्लेष्म में पूजा बलगम निकलना आदि लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बैसिलिनम औषधि देनी चाहिए। सांस नली की सूजन। सांस नली की सूजन से पीड़ित रोगियों में श्लेष्म में पूय बलगम पॉली बैस्टरी होता है। यह रोगाणुओं की अनेक जातियों का सम्मिश्रण होता है तथा इसके व्यवहार में लाने का स्पष्ट संकेत रहता है। यह औषधि आमतौर पर फेफड़ों में कॉन्गेशन को दूर करता है, और इस तरह यह औषधि यक्ष्मा रोग को दूर करने में अधिक प्रभावशाली होता है। त्वचा से संबंधित लक्षण। बैसिलिनम औषधि का प्रयोग त्वचा से संबंधित विभिन्न लक्षणों में, जैसे त्वचा का एक विशेष प्रकार का रोग जिसमें त्वचा पर बारीक कीले निकलती हैं और जिस पर कभी खुरंड नहीं जमते,
त्वचा पर निकलने वाली ये कीड़ें बार बार निकलती रहती हैं। रोगी व्यक्ति के गर्दन की ग्रंथियाँ बढ़ी हुई तो पलकों में छाजन रहती है, रोगी के पलकों में छाजन रहती है। ऐसे त्वचा रोग के लक्षणों में रोगी को ठीक करने के लिए बैसिलियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि, रात को तथा सुबह के समय तथा ठंडी हवा में घूमने से रोग बढ़ता है। संबंध, बैसिलियम औषधि का संबंध एंटीमोनियम आयोडे लैके आर्सेनिकम आयोडे मायोसोटिस लेविको औषधि से माना जाता है। इस औषधियों का प्रयोग रोगी में अधिक दुर्बलता होने पर जल्दी लाभ के लिए रोगी व्यक्ति को 5 से 10 बूंद दी जाती है। पूरक कलकेफा और कालिका औषधि बैसिलियम औषधि का पूरक है। तुलना, बैसिलियम औषधि की तुलना ट्यूबरकुलिनम औषधि से की जाती है। बैसिलियम और ट्यूबरकुलिनम दोनों ही औषधियों को यक्ष्मा के रोग को दूर करने के लिए अधिक लाभकारी माना जाता है। इन दोनों औषधि का विशेषकर लाभ तब मिलता है जब फेफड़ों में यक्ष्मा रोग विकसित होने के छोटे मोटे लक्षण उत्पन्न होने की आशंका है। बैसिलियम का प्रयोग ग्रंथियों, संधियों, त्वचा और हड्डियों की टीबी की शुरुआती अवस्था में करने से रोग दूर करने में अधिक लाभकारी होता है। बैसिलियम टेस्टियम विशेषतः शरीर के निचले अंगों का प्रतिक्रिया कर रोगों को दूर करती है। बैसिलियम टेस्टियम विशेषतः शरीर के निचले अंगों पर प्रतिक्रिया कर रोगों को दूर करती है। मात्रा, डोजेज, बैसिलियम औषधि की 30 शक्ति से नीचे की शक्ति नहीं देनी चाहिए और नहीं औषधि बार बार रोगी को देना चाहिए। इस औषधि को रोगी को बार बार नहीं देना चाहिए। इस औषधि को सप्ताह में एक बार देना चाहिए। ये औषधि रोग में बहुत जल्दी लाभ पहुँचाती है। इस औषधि के एक डोज से ही रोग खत्म हो जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।